मिलने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए वो वायु मार्ग से अपने रिद्धि बल से वहां पर गए। और वहां जैसे गए, सोन ने जब भिक्षु को देखा, सोन ने जब भगवान बुद्ध को आते हुए देखा, तो देखकर वो बड़ा प्रभावित हुआ। बुद्ध को बैठने के लिए आसन दिया, वंदन किया और बैठकर बुद्ध को वंदन करके वो बैठ गया एक बाजू में। तब बुद्ध ने उसे पूछा, सोन तुम्हारे मन में जो विचार आया है मैं उसे जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तो मुझे यह बताओ सोन, तुम भिक्षु बनने के पहले एक बड़े कुशल वीणा बजाने वाले थे, वीणा वादक थे। हाँ मैं था वीणा वादक। तो ये बताओ तुम वीणा कैसे बजाते थे। यदि वीणा की तार तुमने बहुत टाइट कर दी तो क्या उससे सुरीला संगीत आएगा, क्या आता है क्या? नहीं बनते, उससे तो संगीत नहीं आएगा सुरीला। अच्छा यदि तुमने वीणा की तार को बहुत ढीला छोड़ दिया तो क्या उससे सुरीला संगीत आएगा क्या? नहीं बनते, उससे भी नहीं आएगा। तो कैसा आता है सुरीला संगीत? बनते, उस वीणा की तार को बहुत टाइट भी नहीं रखना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि बहुत ढीला छोड़ दिया तार को तो भद्दी आवाज आएगी, संगीत मधुर संगीत नहीं आएगा। और बहुत टाइट कर दिया, बहुत कस दिया तो उससे भी मधुर आवाज नहीं आएगी, वो सुंदर आवाज नहीं आती उससे। तो इसलिए उसे मध्य में रखना पड़ता है, मिडल में रखना पड़ता है। बुद्ध ने यही बताया, देखो सोना ऐसा ही है, तभी जीवन में संगीत आता है। तो मध्यम मार्ग है, मिडल पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो तथागत बुद्ध ने बताया वो मिडल पाथ। इसी प्रकार वही मिडल पाथ हमें ध्यान भावना करते समय भी अपने चित्त को ऐसे समता में रखे, उसे बहुत बेचैन, बहुत व्याकुल, बहुत अशांत न करे, बड़े उद्विग्न ना होवे और बहुत ढील भी न दे चित्त को। बहुत ढील दिए तो आलस आएगा, आलसी बन जाओगे। तो आलस से भी चित्त को हटाना है और उद्विग्नता से भी मन को हटाना है और समता में रहकर प्रज्ञा जगाकर अभ्यास करना है, ऐसा बताकर तथागत बुद्ध फिर वायु मार्ग से रिद्धि बल से वहां से निकल गए और निकलकर अपने गिज्जकूट विहार में चले गए बुद्ध। अब बुद्ध के जाने के बाद ये सोना अभ्यास करने लगा जो बुद्ध ने बताया। अब देखो बुद्ध की अनुकंपा कितनी है कि एक व्यक्ति को अर्हत बनाने के लिए बुद्ध वहां से चले आते हैं, स्वयं उन्हें मिलते हैं, उनको उपदेश करते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये सोन भिक्षु फिर ठीक ढंग से अभ्यास करने लगा और ठीक ढंग से अभ्यास करते करते उन्होंने अर्हत पद को पा लिया, जिसके लिए घर बार छोड़कर, धन दौलत छोड़कर, परिवार को छोड़कर लोग भिक्षु बनते हैं। काहे के लिए? ये परम मुक्ति पाने के लिए, अरहत्व पद पाने के लिए। तो आज उसने वो अरहत पद पा लिया और बड़ा प्रसन्न हुआ। एको उपकट्टो अपमत्तो आतापि पहितत्तो विहरंतो नचिदस्येव यस्थाय कुलपुत्ता संवदेव अगारस्मा अनगार्यं पब्बज्जन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचर्य परियोसानं दिठेव धम्मे सयं अभिया सच्चिकत्वा उपसंपज्जं विहासी खीना जाति उसितं ब्रह्मचर्यं कतं करणीयं नापरं इत्थत्थायाति। तो ये ज्ञान उनको हो गया, अरहत बन गए, सारे क्लेशों से
बंधनों से वो मुक्त हो गए और विजयी हो गए, अरहत बन गए। और अरहत बनने के बाद फिर वो तथागत बुद्ध को मिलने के लिए जाते हैं, और मिलने के लिए जाकर बुद्ध को कहते हैं कि भगवान आपकी कितनी अनुकंपा है, मैं इस छह बातों से अब मैं मुक्त हो गया हूँ, मेरा चित्त विमुक्त हो गया है, केवल श्रद्धा से ही मुक्ति नहीं मिलती, श्रद्धा का भी अपना महत्व है, उससे ही मुक्ति नहीं मिलती, तो उसके साथ साथ जो निष्क्रम के मार्ग से जाना चाहिए, और निष्क्रम में मार्ग से जाकर फिर अधिमुक्ति को हम पाते हैं। इसी प्रकार केवल एकांत में रह के पविवेकाधि मुक्तो, उससे भी मुक्ति नहीं मिलती, केवल एकांत में रह तो उससे भी मुक्ति नहीं मिलती, एकांत में रहकर इस उचित मार्ग से जाने पर मुक्ति मिलती है। तो भगवान मैंने आज वो मुक्ति पा ली, क्या मैंने पाया वो बुद्ध को बताते हैं, खया राग सवित रागता निखम माधि मुक्तो होती, मैंने राग को खत्म कर दिया, मैं नैष्कर्य को मैंने खत्म कर दिया, उससे मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं वीत मोहता से मुक्त हो गया हूँ, तो ये एक प्रकार की मुक्ति। फिर मैं पविवेकाधि मुक्तो, यानी एकांत वास में रहकर अभ्यास करते करते मैंने सारे जाति का जन्म का मैंने अंत कर दिया, खत्म कर दिया उसे, और वीत राग मेरा चित्त बन गया, वीत दोष मेरा चित्त बन गया, मैं उससे निकल गया, मैं इससे बाहर हो गया, और अभी मेरा चित्त मुक्त हो गया है। फिर बुद्ध कहते हैं कि शीलबत्त परामास नून आयस्मतो सारतो पच्चा गच्छन्तो अभ्यापज्जाधि मुक्तोति, कि केवल शील व्रत परामास से भी अर्हत्व नहीं मिलता है, तो उससे अभ्यास करना पड़ता है, और आज वो अभ्यास करते करते मेरा चित्त द्वेष से व्यापाद से पूरी तरह अब मुक्त हो गया है, मैं विमुक्ति का साक्षात्कार कर चुका हूं और मेरा चित्त उससे छूट गया है, विमुक्त हो गया है। उसी प्रकार खया रागस वीत रागता तन्न खयाधि मुक्तो होमी, कि सारे तृष्णा को मैंने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, अब कोई तृष्णा मेरे मन में नहीं रही, मैं उससे मुक्त हो गया हूं, मुक्त हो गया हूं। तो तन्ना खयाधि मुक्तो होमी, तृष्णा का मैंने क्षय कर दिया, मैं मुक्त हो गया, ऐसे बुद्ध को वो बता रहे। उसी प्रकार खया रागस वीत रागता उपादान खंद उपादान खयाधि मुक्त होमी, कि मैंने सारे उपादान को नष्ट कर दिया, उसका क्षय कर दिया, और मैं विमुक्त हो गया हूं, विमुक्त हो गया हूं। तो इस प्रकार छह प्रकार के बातों से मैं विमुक्त हो गया हूं। उपादान यानी ये शरीर के प्रति, मैं मेरे के प्रति उपादान यानी आसक्ति, वो मेरी छूट गई। पंच स्कंध के प्रति आसक्ति, ये पंच स्कंध मैं हूं, मेरा है, इसके प्रति आसक्ति, इसके प्रति भ्रम भ्रांति छूट गई। उपादान से मैं मुक्त हो गया हूं, मेरा चित्त भी मुक्त हो गया है भगवान। फिर छठे में बुद्ध को कहते हैं अस मोहाधि मुक्तो होमी वीत मोहता अस मोहाधि मुक्तो, यानी वीत मोह, इस मोह से, कंफ्यूजन से, भ्रम भ्रांति से, अंधकार से मेरा चित्त छूट गया, अब कोई मुझ में कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रम भ्रांति नहीं, कोई अंधकार नहीं, अब पूरी तरह मैं विमुक्ति का साक्षात्कार कर चुका हूं भगवान। एवं सम्मा विमुक्तस्य बन्ते भिक्खुनो भूषा चेपी चक्षुमीय या रूपा चक्षुस्य
अपातं आगच्छन्ति नेवस्य चित्तं परियादियन्ति। मैंने ये सारे उपादानों से मुक्त हो जाऊं मैं, अब चक्षु से कोई भी रूप मुझे दिखाई दे वो मुझे आकर्षित नहीं करने वाला, वो मुझे नहीं बांधने वाला, वो मुझे संयोजन से नहीं जोड़ने वाला। इसी प्रकार कान से कोई भी शब्द मुझे सुनने में आए वो मुझे नहीं बांधने वाला है, जिह्वा से कोई रस वो भी मुझे नहीं बांधने वाला है। छह इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के उपादान से उसकी तृष्णा से भगवान मैं मुक्त हो गया हूं, ऐसा वो बुद्ध को कहने लगा। और तब बुद्ध ने उनको और भी, बुद्ध कहते हैं कि ऐसा भिक्षुओं ने रहना चाहिए, अमिष्य कसतमेव चित्तं होती थितं आनिंजपत्तं वयंचनानुपस्सी पश्यति। यानी किस प्रकार का उदय व्यय इस शरीर में होता है, कैसे परिवर्तन होता है उसको मैं जान रहा हूं, मैं पूरी तरह स्थित प्रज्ञ बन गया हूं और मुक्ति का साक्षात्कार मैं कर रहा हूं। तो उस समय तथागत बुद्ध और भी उनको एक उपदेश करते हैं कि देखो, जैसे सेलो पब्बतो अछिद्दो असुशिशो एक घनो अथ पुरथिमाय चेती जित दिशाय आगच्छेय भूसा वात उठी नेव नं संकप्पेयं न संकप्प मेयं न संप वेधेयं। तो जिस प्रकार कोई शिला वाला पर्वत, घना पर्वत जो केवल रॉक से बना हुआ हो, पत्थर का हो केवल, और कोई छिद्र नहीं है, कोई उसमें दरार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक सॉलिड ऐसा खड़ा रॉक है, कोई उसमें दरी नहीं है, कोई कंधारा नहीं है, कोई पेड़ पौधे भी नहीं है, केवल ऐसा एक पत्थर शिला का ऐसा पर्वत। तो उस पर्वत को जोर से आने वाली तूफान वो भी उनको हिला नहीं सकती, डगमगा नहीं सकती, चाहे वो पूरब दिशा से तूफान आए वो भी उसको डगमगा नहीं सकती, चाहे पश्चिम दिशा से जोरों की तूफान आए वो भी उसे हिला नहीं सकती, चाहे दक्षिण दिशा से आए, चाहे उत्तर दिशा से आए, किसी भी दिशा से आने वाली जोर की तूफान हवा उस पर्वत को हिला नहीं सकती, डगमगा नहीं सकती। ऐसा मेरा चित्त अब मजबूत बन गया है और मुक्ति का मैं साक्षात्कार करने लगा हूं, मेरा चित्त मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है। इस प्रकार तथागत बुद्ध को वो मिलकर बताते हैं। और नेखम अधिमुत्तस पवी पविवेकस चेतसो अभ्यापज्जाधिमुत्तस उपादानस उपादान खयस्स च। तो सारे उपादानों से और सारे बंधनों से मेरा चित्त मुक्त हो गया है, मुक्ति का मैं साक्षात्कार कर रहा हूं। तस्स सम्मा विमुत्तस्स संत चित्तस्स भिक्खुनो कतस्स पटिचयो नत्थि करणीयं वज्जति। तो बुद्ध ने उनकी ये सारी बातें सुनकर और भी उन्हें सभी भिक्षुओं को चार प्रकार का मार्गदर्शन किया। और बहुत लंबा सूत्र है वैसे, तो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, मार्गदर्शन किया कि अपने चित्त को एक पर्वत के शिला जैसा अपने को चित्त को बना दो कि ताकि किसी आने वाले तूफान से भी वो न डगमगाए। और उसी प्रकार ऐसा चित्त बन जाता है कि कहीं से भी कोई रूप दिखे आंखों को वो भी उसको विचलित नहीं करता है, कोई रस जिह्वा को उसे विचलित नहीं करता है, उसे बेचैन नहीं करता है, कोई शब्द
कान से कोई शब्द आता है तो शब्द भी उसे बेचैन नहीं करता, विचलित नहीं करता। कोई गंध आती है नासिका से, वो भी उसे विचलित नहीं करती। जो स्पर्श होता है शरीर से, वो भी उसे विचलित नहीं करता। तो सारे 6 इंद्रियों के द्वारा से जो कुछ भी उन्हें संज्ञा मिलती है, जो अनुभव होता है, उनको प्रसन्न चित्त से, समता भरे चित्त से वो जानता है और मुक्ति का साक्षात्कार करते हुए वो विहार करता है। और ये शरीर के 5 स्कंदों को उदय व्यय की स्थिति में कि कैसे मेरे शरीर के ये 5 स्कंद निर्माण होते हैं, कुछ समय रुकते हैं, नष्ट होते हैं, उदयंग व्ययंग पश्यति। तो इस प्रकार वो बड़े समता भरे चित्त से, प्रज्ञा भरे चित्त से मुक्ति का साक्षात्कार करते हुए भिक्षु विहार करता है, विचरण करता है। तो यही इस सूत्र में विशेष रूप से बात आई है कि तथागत बुद्ध की महाकरुणा, कि स्वयं तथागत बुद्ध उस सोन भिक्षु को मिलने गए, वो भी रुद्धि बल से आकाश मार्ग से गए और उनके चित्तों को उन्होंने दूर से पढ़ा और जाकर उन्हें उचित रास्ते पर मार्गदर्शन किया, उचित रास्ते पर लाया। और फिर सोन बड़े प्रतिष्ठित भिक्षु संघ में बन गए। तो इस प्रकार ये अंगुत्तर निकाय में सोन सूत्र ऐसा आता है। नेटवर्क ठीक न होने से आप सभी को थोड़ी परेशानी हुई होगी, मुझे भी परेशानी हुई, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, दीर्घ जीवन मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। सबका मंगल हो, सबका मंगल।